अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं सुबह सारा और वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज हम जो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं उनकी हम प्राइस गेस करने वाले हैं और ये भी हम गेस करके इनको कहाँ लगाते हैं, इनका यूज़ क्या है। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स जंप टू द वीडियो। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज, व्हाट इज दिस? ये इसके डब्बे पे लिखा है स्किन पॉलिश। हाँ, इसके डब्बे पे लिखा है और चलें इसको तो पता चल गया कि व्हाट एक्चुअल पर्पस ऑफ दिस, व्हाट इज द पर्पस। ये मेरे ख्याल में एज अ अर्खे गुलाब रोज वाटर के अंदर इस्तेमाल होता है। चलें समवॉट टू स्किन को रिजुविनेट करने के लिए। एंड इसकी प्राइस क्या है? मेरे ख्याल में 300 to 500, जहाँ तक मैं गेस कर रहा हूँ। ओके, सो इसकी MRP है 125, ज़्यादा हाई बता दिया। ओके, सो अनदर, व्हाट इज दिस? ये मुझे कोई लिपस्टिक लग रही है। व्हाट इज दिस? ये मेरे ख्याल में इसको आंखों पे लगा दें, आंखों पे लगा दें शायद इसको। ये नेल पॉलिश है आज का सबसे बड़ा नेल पॉलिश है। मैं दावे के साथ कह सकते हैं नेल पॉलिश आज का सबसे बड़ा जोक हो गया, ये नेल पॉलिश है। अब इसके ऊपर आप लोग मीम सा बना दीगा। ये कहाँ से लगेगा? इसका ब्रश नजर आ रहा है? इसका ब्रश, ये मुंह उसका ब्रश है। ये कैसे लगेगा? ये क्वाइट समवट नेल पॉलिश की तरह लग रहा है, लेकिन नेल पॉलिश नहीं है, ये इल्यूमिनेटर है। इसे बेस लगाने से पहले कंफर्म। ओके, इसकी प्राइस बता दो। इसकी प्राइस जल्दी 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 गेस करें, टाइम वेस्ट नहीं करना। 300 to 400 450, बिकॉज़ इट्स नॉट ओरिजिनल, इट्स ओके, कहीं कहीं पॉइंट। अच्छा, एंड व्हाट इज दिस? ये स्किन को मतलब मॉइस्चराइजिंग स्प्रे ऐसा कुछ है। क्या लिखा है इस पे? स्प्रे मैटिफाइंग। ये इसकी प्राइस मैं अगर गेस करूं तो समवॉट नियर 400 to 600। अच्छा, पहले होता क्या है? ये एक अपने आप को गोरा दिखाने के लिए कोई चीज होती होगी जो रॉन्ग। ये एक मेकअप फिक्सर है, मेकअप करने के बाद यूज करते हैं। उसकी प्राइस कितनी बताइए? 400 to 600। रॉन्ग, दिस एक्चुअली कॉस्ट अप टू 1400। कितना महंगा करना है बंदा, आठ ही मन ले। ये मेकअप को प्रोलॉन्ग करता है, बहुत अच्छा है वैसे। बड़ी अच्छी बात है वो। अच्छा जी, तो अब हम बताते हैं व्हाट इज दिस? ये आईलाइनर। आईलाइनर है ये? आंखें बनी में तो आईलाइनर ही होगा। ये आईलाइनर है, काजल है, आईब्रो क्या है, ये आईलाइनर नहीं है। और इसकी प्राइस? ये 200 to 300 रुपए का होगा मेरे ख्याल में। आई गेस सही, राइट गेस, लेजेंड फॉर अ रीजन। अच्छा चलिए, यदि अब कमिंग टुवर्ड्स दिस, व्हाट इज दिस? ये हाइलाइटर है, इसमें 5 बॉले अंदर लगी हुई है। पर्पस क्या है इसका? इसका पर्पस है कि अपने आप को अच्छा दिखाना, और ये फेस के ऊपर इस्तेमाल होता है, गाल के ऊपर, गाल के ऊपर, चीक्स पे होता है। प्राइस? प्राइस 600 to 700, थोड़ा सा कम, ये 550-500 का मिल जाता है, नियर टू। अच्छा चलिए, इसका भी तरीका होता है, अगर आप जाके अमराज बाजार से शॉपिंग करेंगे तो 450 का मिलेगा, अगर वो ही चीज आप साइमा मॉल या डॉलमेंट मॉल में जाके लेंगे तो इंशाल्लाह 1000 का, वो तो उसकी कॉपी बनी होगी। अच्छा ये क्या है? ये भाई ये लिपस्टिक या लिपस्टिक है? अच्छा ये भी वही चीज लग रही है जिसको मैंने लिपस्टिक बोला था। ये नेल पॉलिश है। चलो ये अच्छी चीज है। क्या लिखा है इसके ऊपर? 24K golden roses glowing face serum, glowing and radiant। क्या हुआ? फेस सीरम हुआ। चलो ठीक है, इसको हम फेस पे यूज करते हैं। इसकी मैं प्राइस गेस करूंगा अराउंड 350 to 400। नो, इट्स टू कॉस्टली, 2000। इतना पैसा बर्बाद क्यों करना है? क्या करें,
मैं पहले 70 रुपए वाली फेयरिंग लवली लगाता था क्रीम, वो भी स्कूल जाने से पहले, मैं वो भी नहीं लगाता। अच्छा चले, मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट, व्हाट इज दिस? ये है हाइलाइटर, शायद शेड्स के लिए, आई शेड वगैरह ऐसे कुछ। कंसीलर, दिस इज कंसीलर पैलेट, ये कंसील करती है आपके जो पिगमेंटेशन होती है, एक्ने स्पॉट्स होते हैं, मेकअप से पहले लगाते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं। इसकी प्राइस अराउंड, इस बार मैं थोड़ा ज़्यादा आगे जाऊँगा, मेरे ख्याल में 800 to 900। सही, करेक्ट, बिकॉज दिस इज बेटर नाइट। ओके, सो अनदर थिंग, गीली और जंगली है तो उसकी प्राइस ज़्यादा होगी। गीली और जंगली, वेट एंड वाइल्ड। सो व्हाट इज दिस? अब्बा डब्बा। क्या है ये? है अपना जो यहाँ लगाते हैं ना, यहाँ इस जगह लगाते हैं, इस जगह। नहीं नहीं, क्या है, क्या लिखा हुआ, क्या है? लूज पाउडर, फिक्सिंग लूज पाउडर। हाँ, लूज पाउडर। उसकी प्राइस? इसकी प्राइस है कोई 450-500 रुपये। या परफेक्ट, नहीं है। ओके जी, कमिंग टू वर्ड्स आवर नेक्स्ट, व्हाट इज दिस? सबसे इजी, ये तो मॉइस्चराइजिंग लोशन है। इसकी प्राइस? इसकी प्राइस है कोई 250 से 300 रुपये। इसकी प्राइस 150 है, सरप्राइजिंगली। ओके, ओह हाई डॉग, वेट में भी ये क्या है? ये भी कीले और जंगली वालों का, ये फाउंडेशन है। फाउंडेशन का पर्पस क्या होता है? इसको हम यहाँ पे लगाते हैं, वो मेकअप के एज अ बेस। ये फायदा हुआ है एक मेकअप जंकी की भाई होने, घर में ब्यूटी ब्लॉगर बैठी है तो असरात तो आएंगे। अच्छा, और इसकी प्राइस क्या होगी? इसकी प्राइस होगी 400 to 500। नहीं, अच्छा, वेट एंड वाइल्ड तो 1200-1300। ग्रेट, 1200-1300 एग्जैक्टली, 1300। मैं भूल गया था, ये वेट एंड वाइल्ड है, वेट एंड वाइल्ड। सो अनदर थिंग, व्हाट इज दिस? बेस टाइप लग रहा है, बेस टाइप। और इसकी प्राइस? इसके प्राइस ये वेट एंड वाइल्ड का, तो फोकल योर दिस, व्हाट इज दिस? मैं आई शो यू इनसाइड दिस। ये बेस टाइप की कुछ? नो, दिस इज प्राइमर। और इसको क्या करते हैं? इसको गालों पे लगाते हैं। इसको मेकअप से पहले लगाते हैं। गेस द प्राइस? ये कोई 750-800 रुपये। देखा ऐसी कोई लिपस्टिक गाइस, नॉलेज में इजाफा, ये लिपस्टिक है, दिस इज नॉट लिपस्टिक, ये कंटूरिंग स्टिक है, इससे आप कंटूर करते हैं फेस को, फीचर्स को, ब्राउन कलर की होती है। और इसकी प्राइस जल्दी से बताओ। 350 नो, 650 नो। ओके, सो अनदर थिंग इज, व्हाट इज दिस? आईलाइनर। ग्रेट, आईलाइनर। और इसकी प्राइस? 250 No, this is branded Oriflame. I got it for I guess 550 or 600 rupees. Wrong. Sad. Okay, so what is this? ये वो pencil है, वो photo के ऊपर। Photo के ऊपर, हाँ। Price बता दो। ये price होंगी इसकी कोई 100 रुपए, 70 रुपए। सही है, 100 रुपए। And what are these? उसी तरह की चीजें, ये आंखों के ऊपर क्या लगा, लिप लाइनर है। इसकी प्राइस? ये भी कोई 75 to 125। 75-50 रुपीज़ की है। सो या गाइज, हम लोगों को वीडियो शूट करते हुए बहुत मज़ा आया, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई ब्रदर्स चैनल। मेरा चैनल है, उसके ऊपर मैं कवर्स वगैरह चला पोस्ट करूँगा। उसके अलावा मेरा नया सॉन्ग आ रहा है, उसका नाम है अकरम।
बकरा मंडी सॉन्ग, तो वो उसमें आपको बड़ा फनी सॉन्ग है, तो आप उसे ट्यून और इंशाल्लाह बहुत जल्द बकरा इससे कोई 3-4 दिन पहले वो रिलीज हो जाएगा, तो इनका भी सब्सक्राइब कर दें, मेरा भी सब्सक्राइब कर दें। हमें बहुत मज़ा आया, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लगी, अगर आप ऐसी और वीडियोज देखना चाहते हैं प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, सो सी या, बाय बाय।